हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा डिस्प्ले साइज़ है तो डिस्प्ले साइज़ को आप कैसे चेंज कर सकते हैं वीवो फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग्स पे जाकर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन के आइकन्स हैं आपके फ़ोन में शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है और स्वाइप करते ही वाले आइकन्स अपने आएंगे। फिर आपको सेटिंग्स पर जाना है, क्लिक करते ही जो फ़ोन सेटिंग्स आपके फ़ोन में इस तरीके से शो हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में डिस्प्ले साइज़ है तो डिस्प्ले साइज़ को आप कैसे चेंज कर सकते हैं, तो सिंपल जो आपकी फ़ोन की सेटिंग्स है शो हो रही है तो आपको सर्च करना है। तो सर्च करते ही जो डिस्प्ले साइज़ है डिस्प्ले साइज़ को आप यहां से चेंज कर सकते हैं। सिंपली ओपन करते हैं तो यहां से डिस्प्ले साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, आप डिस्क्रेज भी कर सकते हैं। डिस्क्रेज कर देंगे कुछ इस तरीके से हमारा डिस्प्ले साइज़ शो करेगा। आप देखते हैं कि शो हो रहा है, तो इस तरीके से डिस्प्ले साइज़ को आप चेंज कर सकते हैं सर्चिंग सेटिंग पे जाकर। अगर आपको ऑप्शंस नहीं मिलता है तो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर भी डिस्प्ले साइज़ को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे फ़ोन के आइकन शो हो रहे हैं तो आपको स्वाइप करना है, स्वाइप करते ही वाले आइकन ओपन आएंगे। सेटिंग्स को भी ओपन कर लेंगे, फ़ोन की सेटिंग्स ओपन आएगी। जहाँ से आपको क्लिक करना है डिस्प्ले ब्राइटनेस पर, इसको ओपन करेंगे तो आपको इसको ओपन करना है, यहाँ से डिस्प्ले साइज़ को चेंज कर पाएंगे और मीडियम पे भी सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप डिस्प्ले साइज़ चेंज कर सकते हैं वीवो फ़ोन में, और साथ में कुछ इस तरीके से हमारे डिस्प्ले साइज हमारे फ़ोन की स्क्रीन पर शो करेगा। तो इस तरीके से डिस्प्ले साइज़ को आप चेंज कर सकते हैं वीवो फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें।